हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 12 रुपए साहब। 12 रुपए रख लो, चलें। सुनिए, ये टोकरी। ओ तो अब आप मुझे पहनाएंगी? ये पकड़िए। चलो। सुनिए, ये टोकरी। ओ, अब चलें। माँ, अमर, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब? मतलब गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूं, मैं इस घर का बेटा हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका धर्मपत्नी हूं, ये मेरा पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूं। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह सो ओल्ड। चल चुप रे ओल्ड वाली। अरे अमर, तूने तो कहा था कि तू इन राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। कौड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा, मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया? ये तो मेरी माँ है। माँ? ओह माय गॉड, इनकी जबान तो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जबान से काटी जाती है क्या? सीमा जी। हाँ प्राणनाथ, आशीर्वाद के बारे में क्या ख्याल है? पैर तो खराब है मगर ले ही लेते हैं। क्या इस घर में आने वाली नई बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता? आशीर्वाद नहीं, ये दिया जाता। ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ, एक हाथ मारकर ईंट भी तोड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी ककड़ी जैसे हाथ हैं। आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आशीर्वाद दीजिए। ए अमर, तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायल से मेरा हाथ छुड़ाना। I'm sorry मम्मी, मैं मजबूर हूँ। जिस तरह तुम्हारे सामने पिताजी अपनी दुम हिलाते हैं ना, उसी तरह तुम्हारी बहू के सामने मैं पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ, इसके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है मगर लकीर नहीं गिर सकती, इसलिए जब तक तुम अपना हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद नहीं दोगी, ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मर गई। हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। मम्मी आशीर्वाद दे दो। मुंह से बोलिए चुप चुप जियो। और सुहाग का आशीर्वाद? सुधो सुहाग अंदर हो। अब पिताजी का आशीर्वाद। चुप चुप जियो और सदा सुहाग अंदर हो। आओ तुम्हें इस घर के रंगमंच के दूसरे कलाकारों से मिलाऊं। ये मेरी बहन कंचन। जुग जुग जियो, सदा स्वागत रहो। आपकी बहन क्या कुंवारी है? जी नहीं, ये बीमारी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारी है, एक बच्चे की माँ है। और जिस बच्चे की ये माँ है वो बच्चा मैं हूँ, और आपके प्राणनाथ मेरे मामा है, और इस रिश्ते से आप मेरी मामी लगी। हाँ। कैसी लगी तुम्हारी मामी? एक मिनट। हाँ? बहुत मीठी है। अच्छा सीमा, अब तुम थक गई होगी, चले ऊपर। हाँ। पापा, आज तो कमाल हो गया। क्या?
सेट तो वैसे का वैसा रह गया, छुरी टूट गई। लगता है कहानी में नया रंग आने वाला है। अच्छा है ना, बजरंगी का जो रंग निकल गया तो वो रंग वापिस आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं जब तक बोलू जाना नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, मैंने सोचा कुछ देर गाना गाकर आपका दिल बहलाऊं। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? बाथरूम में। क्या जी, और कोई जगह भी तो नहीं? तो फिर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जी जी जी। आप जरा उठेंगी? क्यों? अरे भाई उठेंगी तो बताऊंगा ना। ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पर जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहाँ तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची, मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरे नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। बता, ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का को तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारे बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में? क्या? नहीं मेरा मतलब वैसा होता है ना जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है, तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब आगे चलता हूँ, पीछे मेरे बाल नहीं। तुम भी अनशन बकते हो। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ? आप अभी तक सोए नहीं? क्या हो गया तुम्हें विजय के बापू? भाई की लगाम हाथ से छूटती चली जा रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो। अरे वाह रे वाह, ये लो पकड़ो डंडा और दो चार जमा कर निकाल बाहर करो उस कमीनी को। भाई तुम तो इस काम में चैंपियन हो, तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बहू पर हाथ उठाऊं तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लड़की जात है ना, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ हूं। मगर तुम तो औरत हो, औरत औरत पर डंडे बरसाए तो ना तो समाज छूट जाएगा, नहीं कानून कहेगा।
ठीक है तुम यहाँ चूड़ियाँ पहने बैठे रहो, उसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। क्या समझती है हम लोगों को? माँ जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। डंडेबाजी तो होती रहेगी, पहले बैठकर सुकून से खाना तो खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी खाना। आप खाना नहीं खाएंगी? बिल्कुल नहीं। और आप पिताजी? ये भी नहीं खाएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी। ये नहीं खाएंगे मैंने कह दिया ना, इस घर का कोई भी आदमी तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा, समझी? वाह, जिस घर के बड़े बूढ़े अनाज को ठोकर मारते हो, उस घर के बच्चों का सुख कहां से नसीब होगा? मां, यह वो अनाज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नहीं मिलता तो चोरी करता है, डाके तक डालता है सिर्फ इसके लिए। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और आज तुमने भगवान की इस दौलत को ठोकर मारी। ये ठोकर एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मां, बहुत महंगी। आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूँ। छोड़िए ना, मैं उठाती हूँ।